इसने फिर दिखाया कि जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, उन पर विश्वास रखती है और कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। ये जीत ऐतिहासिक है, ये घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर हुआ है और जनता को मोदी जी पर विश्वास है। जनता ने दिखा दिया कि देश में एक ही व्यक्ति की गारंटी चलती है, वो है नरेंद्र मोदी, जिन पर विश्वास है। कि जनता ने मन बना लिया कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां सुशासन और विकास, और जो गंगा जल की कसम खाई थी झूठी तो माँ गंगा का श्राप कांग्रेस साथ। कांग्रेस जहां जहां झूठ बोलती गई, सनातन धर्म का अपमान किया तो उनका श्राप कांग्रेस साफ। सर, चार में से तीन राज्यों में बंपर जीत के आप लोग लगातार बढ़े हैं, क्या कहेंगे सर? ये जीत ऐतिहासिक है, माइक नीचे करो सर। ये जीत खास है और जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियां, विकास और गरीबों का कल्याण, इसने फिर दिखाया कि जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, उन पर विश्वास रखती है और कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। सर, तेलंगाना में जिस तरीके से आप लोग अभी पिछड़ रहे हैं, मेहनत वहां पर भी आप लोगों ने की थी, कह रहे थे कि वहां पर भी सरकार बनाने की स्थिति में है, कहीं कमी? देखिए, जहां पर आप देखिए, मध्य प्रदेश में 20 साल सत्ता में रहने के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जनता का आभारी है। वहीं पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता मुक्ति पाना चाहती थी और जनता ने दिखा दिया कि देश में एक ही व्यक्ति की गारंटी चलती है, वो है नरेंद्र मोदी, जिन पर विश्वास है। और इसलिए मैं कहता हूं ये जीत खास है क्योंकि मोदी जी पर विश्वास है। जातिवाद की राजनीति जो करनी चाहिए, जो अपने एजेंडे पर कांग्रेस लेकर चली, जनता ने पूरी तरह नकारा है। और जो मोदी जी कहते हैं कि युवा, महिला, किसान और गरीब, यही चार जातियां हैं। और मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट कर दूं, अगर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी पर इन राज्यों में इतना विश्वास दिखाया है, बम्पर जीत दिलाई है, तो ये 2024 की ओर भी संकेत करता है कि जनता ने मन बना लिया कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां सुशासन और विकास है। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि उसकी सरकार हर हाल में बन रही है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर चल रहा है, लेकिन अब वहां पर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पीछे हो गई, बीजेपी आगे हो गई, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने आपको याद होगा चुनाव के शुरुआत से थोड़ा सा पहले हमने कहा था भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, और पूरे राजस्थान में एक लहर चली थी कि भ्रष्टाचार करो भूपे करो। ये ऐसा चिपका है कि गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला और महादेव के शराब के बाद कांग्रेस साफ। और जो गंगा जल की कसम खाई थी झूठी तो माँ गंगा का श्राप कांग्रेस साफ। तो कांग्रेस जहां जहां झूठ बोलती गई, सनातन धर्म का अपमान किया, तो उनका श्राप कांग्रेस साफ। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो ये कह रहा था कि हम म्यूचुअल अलायंस। मैंने इतना ही कहा आपको, ये घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर हुआ है। ये इंडी गठबंधन जो आप इनको कहते हो, इनका ना सुर है ना ताल है, ना नेता है ना नीति है। और अब नीयत में खोट भी चुनाव के समय साफ नजर आया, जब अपनी डफली अपना राग सबको देखता नजर आया। 2024 के लिए जनादेश में क्या संदेश है? 2024 के लिए जनादेश में क्या संदेश है? 2024 के लिए स्पष्ट संकेत है कि दुनिया को भारत पर विश्वास है, भारत के नेतृत्व पर विश्वास है। दुनिया चाहती है कि भारत का विकास होगा तो दुनिया का विकास साथ में होगा, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी पर जनता को विश्वास है। इन राज्यों में जनता ने दिखा दिया कि डबल इंजन ही चलेगा, राज्यों से लेके केंद्र तक कमल ही खिलेगा और मोदी जी का नेतृत्व ही चलेगा।